T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए नीदरलैंड की टीम के सामने गुरुवार 27 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उतरेगी। आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए यह सुपर 12 का दूसरा मुकाबला होगा। इसके अलावा नीदरलैंड की टीम भी अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। पहले मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 160 रन के लक्ष्य को टेस्ट करने के साथ ही मुकाबले में जीत हासिल की है और इस वक्त भारतीय टीम सुपर 12 में मुकाबला जीतने वाली टीम है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि नीदरलैंड की टीम ने अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश से गवाया है। बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच मुकाबला खेला गया था जहां नीदरलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल बता दें कि नीदरलैंड की टीम ने सुपर 12 में क्वालिफाइंग मुकाबले जीतने के बाद जगह बनाई है। ऐसे में अब नीदरलैंड की टीम चाहेगी कि एक जीत के साथ ही सुपर 12 में ही शानदार आगाज किया जा सके। वहीं भारतीय टीम की नज़र होगी कि जीत की लय को बरकरार रखा जा सके। मुकाबले की बात करें तो मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 27 अक्टूबर 2022 को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। मुकाबले में पिच की ओर नज़र डालें यानी कि ग्राउंड की ओर नज़र डालें तो यहां पर जब आखिरी मुकाबला खेला गया तब 200 का रन चेज देखने को मिला था। तो ऐसे में उम्मीद होगी कि भारत और नीदरलैंड के बीच भी मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो। इसके अलावा पिच की बात करें तो यह पिच बल्लेबाजों के लिए इसके अलावा गेंदबाजों के लिए भी शानदार मददगार साबित होती है। वहीं इस मुकाबले पर नज़र होगी कि टॉस जीतने के बाद दोनों गेंदबाज बल्लेबाजी की तरफ जाएं और एक बड़ा रन चेज लगाएं। संभावित प्लेइंग 11 की ओर नज़र डालें तो भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा, उपकप्तान केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रवि अश्विन, अक्षर पटेल, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी के साथ उतर सकती है। यही टीम पाकिस्तान के खिलाफ भी देखने को मिली थी। इसके अलावा नीदरलैंड की टीम में कोलिन टेलवी कूपर, इसके अलावा लीदे, विक्रमजीत सिंह, एमपी डॉड, कप्तान एडवर्ड, शहरीज अहमद, लोगन वैन बीक, फ्रीड क्लासिन, मैक्रेन, टीम प्रिंगले शामिल हो सकते हैं। बहरहाल जिन खिलाड़ियों पर सभी की नज़र रहेंगी तो उनमें भारतीय टीम के लिए विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के साथ गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी शामिल हैं। नीदरलैंड की टीम के लिए विक्रमजीत सिंह, शहरीज अहमद, इसके अलावा फ्रीड क्लासिन के साथ साथ लोगन वैन बीक क्या कुछ करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्या कुछ आपकी राय है इस मुकाबले को लेकर, आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट और जानकारियों के लिए वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।